आपके मोबाइल फोन में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है क्या दोस्तों? आपको भी जो है वो आपके मोबाइल फोन में जो नीचे की तरफ जो है वो तीन बटन होते हैं वो आपको शो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से दोस्तों आपको जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, आपको नीचे वाले जो तीन बटन है वो शो नहीं हो रहे, वो गैप हो गए हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप उन स्विच को जो है वो कैसे वापस लेकर आ सकते हैं, आप उन बटन्स को जो है वो कैसे वापस लेकर आ सकते हैं। आपको इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको जो है वो अपनी फोन की सेटिंग में जाना होगा, जो भी आपके फोन की सेटिंग है आपने वहां पर करना है क्लिक। उसके बाद में वहां पर क्लिक करने के बाद में आपको जो है यहां पर जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप जो है नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करोगे उसके बाद में आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग का। तो आपने करना क्या है, जहां कहीं भी आपको एडिशनल सेटिंग दिखे तो आपने जो है वो एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने। तो यहां पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके मोबाइल फोन में जहां कहीं भी जो है वो सिस्टम नेविगेशन वाला ऑप्शन होगा तो आपने जो है वो सिस्टम नेविगेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने। जैसे ही आप सिस्टम नेविगेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसके बारे में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, अगर आपके मोबाइल फोन में जो है वो नीचे की तरफ जो है वो थ्री डॉट जो है वो शो नहीं हो रहे, तीन बटन जो है वो नीचे वाले शो नहीं हो रहे, तो आपके मोबाइल फोन में होगा क्या, आपके मोबाइल फोन में जो है वो ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होगा गेस्चर वाला। तो आपने करना क्या है, आपने जो है वो गेस्चर वाले ऑप्शन से हटाकर जो है वो आपने बटन्स वाले ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर लेने। जैसे कि मैं यहां पर जो है वो बटन ऑप्शन पर सिलेक्ट करता हूं, जैसे ही मैं बटन वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करता हूं तो उसके बारे में आप देख सकते हो कि मेरे को नीचे की तरफ जो है वो पहले तीन बटन जो है वो शो नहीं हो रहे थे, पर अब मेरे को यहां पर जो है वो बटन्स जो है वो शो होने लग गया है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में भी सेम ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपको जो है वो बटन शो नहीं हो रहे, तो आप ऐसे सेटिंग करके जो है वो अपने बटन्स को जो है वो वापस लेकर आ सकते हो। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।